तो अभी अपना जो हर दुख में सुख में तो हम याद ही नहीं करते, हर दुख का साथी ओला। गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों को, मैं विक्की खत्री अपने चैनल में करता हूँ आपका बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है भाई 19 अप्रैल 2023 और टाइम है एग्जैक्ट टाइम है अभी 8:52 और मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने दिन की। और भाई दिन की शुरुआत तो ऐसी है, दो बुकिंग थी, दोनों के दोनों हो गई हैं कैंसिल। एक के घर में तो कोई बीमार हो गया उस वजह से, और एक का पता नहीं किस रीज़न से कैंसिल होया होगा। और टाइम और कॉल आया है 7:30, जबकि 8 बजे का पिकअप था। 7:30 फ़ोन करके कहते हैं भैया ऐसे कैंसिल हो गया, मैं चलो कोई नहीं एक बुकिंग तो है ही। तो भाई दूसरी का भी उसके ठीक 5 मिनट के बाद आ गया, जबकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं आपस में पैसेंजरों का, भाई सलाम मशवरा करके ही कैंसिल कर दिया हो। तो भाई दोनों बुकिंग दोनों गाड़ियों की हो चुकी हैं कैंसिल। तो अभी अपना जो हर दुख में सुख में तो हम याद ही नहीं करते, हर दुख का साथी ओला। ओला कर दिया है भाई अभी स्टार्ट, और ओला हो गया है स्टार्ट। अब ओला पे काम करेंगे सारा दिन, जो जो बुकिंग आएगी भाई करूँगा आपको अपडेट। दिन की शुरुआत पनौती वाली होनी थी, वो तो हो ही चुकी है, फिर भी चलो कोई इशू नहीं है, करते हैं काम। अभी ओला तो है ही अपना, ओला में शुरुआत कर दी है, ओला डिवाइस ऑन कर दिया है 8:52 पे, और जैसे ही कोई बुकिंग आएगी भाई करूँगा आपको अपडेट। तो इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और भाई जो भी नए ड्राइवर भाई से लाइन में आना चाहते हैं और कोई भी समस्या उनके मन में है तो भाई फ़ोन करो, जो नीचे स्क्रीन पे नंबर है इस पे आपकी समस्या का हल जहां तक होगा कर दिया जाएगा। और भाई किसी भी टाइम फ़ोन करो 24 घंटे में, ऐसी कोई शर्त नहीं है मेरे तक फ़ोन मत करो। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हमें फ़ोन मत करो सिर्फ बुकिंग के लिए कॉल करो। अरे भैया तूने भी तो किसी से सीखा ही होगा, तू भी तो कौन सा है सब कुछ सीख के आया, तेने भी कभी किसी से सलाह मशवरा लिया होगा। तो मैंने देखा किसी का वीडियो तो उन्होंने यही बोला भाई मुझे सिर्फ बुकिंग के लिए कॉल करो, बुकिंग के लिए अगर टाइम फ़ोन कर सको तो करो, नहीं तो मेरे से कोई ऐसा सवाल मत पूछो क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। अरे भाई बिजी रहता है, बिजी भी तो कभी तो खाली होता ही होगा, तो एक तरीके से मना करो। तुम ऐसे एटीट्यूड में मना कर रहे हो डायरेक्ट वीडियो पे, पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या आपका फ़र्क पड़ेगा। चलो उसका करना उसके आगे रहेगा, और वो तरक्की भी कर रहे हैं भाई बहुत बढ़िया, जो गलत तरीके से बोलते हैं लोग भी फॉलो उन्हीं को करते हैं। तो भाई आप मेरे तक करो 24 घंटे क्वेश्चन आंसर अपना, जो भी आपके मन में होगा नंबर है स्क्रीन पे। हाँ गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम शायद फ़ोन ना उठा पाए, मगर जैसे ही टाइम मिलेगा तुरंत आपके पास कॉल आएगा। और भाई चलो वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक, और फेसबुक का पेज बनाया भाई उसको भी कर दो फॉलो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को तो लाइक और चैनल में सब्सक्राइब कर दो नए भाई जो भी हैं। तो चलो भाई करते हैं आज की अपने दिन की शुरुआत सादीपुर डिपो से। तो फ्रेंड्स आज की अपनी पहली बुकिंग आ गई है 9:30 पे सतगुरु राम सिंह मेट्रो स्टेशन से रोहिणी के लिए। तो भाई बात हो गई है पैसेंजर से, कॉल किया था मैंने अभी, वो वेट कर रहे हैं। तो बस मैं पहुंच रहा हूं 3 से 4 मिनट के अंदर पिकअप लोकेशन पे, और भाई पिकअप करते हैं पैसेंजर का और निकलते हैं फिर रोहिणी के लिए। और रोहिणी तो भाई रोहिणी तो अपना फेवरेट एरिया है, और वहां से तो ज़बरदस्त बुकिंग लगती है, टाइम चाहे कितना भी मिल लग जाए मगर बुकिंग बढ़िया आती है वहाँ से। ये कोई आँख ख़राब नहीं हो रही है अपनी, ये सिर्फ धूप के चश्मे हैं, कदे सोचो आँख ऊख बनवा ली, उम्र तो इसकी ज़्यादा हो ली, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ धूप के लिए क्योंकि धूप सामने पड़ती है ज़बरदस्त, और कभी कभी टसन भी मान के चलो टसन के लिए भी ला लिए। तो चलो भाई चश्मे का तो क्लियर कर दिया, कदे कोई ये सोचेगा आँख बनवा ली भाई ने, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। जब तक आपसे बात हुई पिकअप लोकेशन के पास भी मैं गया हूँ पहुँच, करते हैं आपको अपडेट आगे की कार्रवाई दिन में क्या क्या होगी। और लगे रहो भाई ऐसे ही काम खींच दो, बस गाड़ी चला रहे हो दिन रात लगे रहो, दिन रात काम करेंगे, जब जाके काम चल रहे हैं महंगाई इतनी भाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है। तो ये है बिस्लरी कंपनी, बिस्लरी का पानी तो सबने पिया ही होगा और बड़ा फेमस ब्रांड है। और ये सामने जो भाई ट्रेन के डब्बे मालगाड़ी ट्रेन दिखाई दे रही है, ये है पटेल नगर रेलवे स्टेशन। ये है अपनी सवारी, अभी कुछ बंदे आए नहीं है, कहाँ जा रहे हो बताओ, पता है बादली, देखो इसको पता है तुझे नहीं पता है बादली जा रहे हो,
गाड़ी में चलेगा? मैं तो ना बैठा हूँ गाड़ी में, गाड़ी में नहीं बैठने दो, तुम सीट गंदी करोगे। पक्का? अपनी सवारी, अभी इनको मैं ले जाकर छोड़ूंगा बादलीन के घर पे। अभी इनके कुछ बंदे आए नहीं है, काफ़ी देर से वेट हो रहा है। चलो आपसे ही लेकर चलते हैं। कहाँ कहाँ चले? बादली आ गए। अभी और भी टाइम है अभी भाई, ऐसे बैठाना पीछे जिसको उल्टी ना गिरती हो, पीछे खिड़की नहीं होता है। बैठ जाओ, आधे घंटे का ही रास्ता, आधा घंटा ही तो लगना है सिर्फ। बैठाओ एक एक और बैठाओ पीछे। ना ना ये नहीं है, बच्चे को नहीं, बच्चे को नहीं। बैग पीछे रख दो। मेट्रो के पास पहुंच के ना मेरे को एक बार फोन करना। ठीक है जी। भाई पहली बुकिंग का हो गया है एंड, जो कि मेरी सतगुरु राम सिंह मेट्रो से आई थी रोहिणी के लिए, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के लिए। तो भाई उस बुकिंग का हो गया है एंड, करीब एक घंटे के आसपास भाई टाइम लग गया उसमें। एक तो पैसेंजर ने थोड़ा आने में लेट कर दिया, और फिर ट्रैफिक तो दिल्ली में आपको पता है ही। तो इसमें बिल बना भाई 604 रुपये का, और बुकिंग का एंड करके मैं आ गया हूँ रोहिणी सेक्टर 15 और 16 के आसपास। अभी देखते हैं भाई कब तक आएगी बुकिंग, और जैसे ही बुकिंग आती करूंगा आपको अपडेट। और आजकल तो भाई काम धंधा थोड़ा सा डाउन है, तो वेट करना पड़ रहा है बुकिंग का, नहीं तो एक छोड़ने से पहले ही मोस्टली ज़्यादातर बुकिंगें ओला में आ जाती हैं। तो चलो भाई जैसा माहौल है उसी हिसाब से डलेंगे, अब करेंगे वेट। जब तक बुकिंग नहीं आती है, बुकिंग के आते ही करता हूँ आपको अपडेट। तो भाई अगली बुकिंग आ गई है रोहिणी से पंजाबी बाग के लिए। टाइम हो गया है भाई 11:50, और अभी देखते हैं भाई कितनी देर में पिकअप हो पाता है। टाइम मुझे शो कर रहा है भाई 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मुझे शो कर रहा है पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के लिए। तो भाई निकलते हैं पिकअप लोकेशन पे और चलते हैं पंजाबी बाग। और भाई पंजाबी बाग की ड्यूटी में कितना समय लगेगा, कितनी गाड़ी चलेगी बताऊँगा आपको ड्यूटी एंड होने के बाद, और कितना बिल उसमें बनेगा। ओटीपी होगा? ओटीपी वो तो भेजे ही नहीं। ओटीपी आप चला मैसेज भेजा हुआ किसी के पास, देखो पहले वाले का ओटीपी भेज दिए थे। हां भैया ओटीपी ले लो। 4388। ठीक है ठीक है सुनने पड़ेंगे अभी ये लो इसमें यही कनेक्ट होता है फोन सिर्फ। 480 नहीं ये फोल्ड हो जाएगा इसके। हाँ इसको उठाइए, हाँ आगे प्रेस कर दो थोड़ा। हाँ बुकिंग का हो गया एंड भाई, जो रोहिणी से आई थी पंजाबी बाग क्लब रोड के लिए, और बिल इसमें बना 483। टाइम हो गया है 1:10, इसमें टोटल गाड़ी चली है 12 किलोमीटर और टाइम लगा 40 मिनट। तो चलो भाई अगली बुकिंग का तो वेट स्टार्ट करते हैं, और पहले सीएनजी लेता हूँ। सीएनजी अभी रिजर्व में लगी नहीं है, मगर बुकिंग आने से पहले ही ले लेते हैं ताकि भाई पैसेंजर बैठे हों, जब बहुत कम चांस ऐसा हो सीएनजी उनके साथ लेनी पड़े, क्योंकि यार लेडीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको बाहर नीचे उतारना चढ़ाना बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए भाई सीएनजी ले लेता हूँ पहले ही। उसके बाद वेट तो मैं पहले ही कर रहा हूँ भाई, अगर बुकिंग आ गई तो पहले भी ले लूँगा। सीएनजी का इतना तगड़ा इश्यू है नहीं, अभी रिजर्व में भी गाड़ी नहीं लगी है, तो लेते हैं बुकिंग भाई अगली अगर आती है तो, नहीं तो वेट कर ही रहे हैं भाई। सीएनजी पंप पहुँच गया हूँ, सीएनजी डलवा रहा हूँ पैसेंजर को छोड़ने के बाद। ये
रोहतक रोड पे सीएनजी पंप है जकीरा फ्लाईओवर से पहले, 73 रुपये 59 पैसे का रेट है अभी हाल फिलहाल दिल्ली में। तो भाई चलो पहले सीएनजी भराते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, फ़ोन करेंगे ओला को, अभी तो मैंने डिवाइस किया हुआ है बंद, और अगली कोई भी बुकिंग आती है तो भाई बताऊँगा आपको। तो भाई अगली बुकिंग आ गई है पटेल नगर से आनंद विहार, आनंद विहार के लिए बुकिंग आई है अभी, टाइम है 2:30, और जैसे ही पिकअप होता है तो करता हूँ भाई आपको अपडेट, पहले पहुँचता हूँ पिकअप लोकेशन पे। तो भाई आज का सारा दिन का काम हो गया है ख़त्म और मैं आ चुका हूँ घर पे, खाना तक भी खा चुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जो मेरी बुकिंग आई थी आनंद विहार के लिए बलजीत नगर से पटेल नगर से, उसका 705 रुपये का उसमें भाई बिल वन का एंड हो गया था। उसके बाद फिर वहाँ से एक ऐसे ही बुकिंग आ गई थी नॉर्मल, किसी को आना था इधर मोती नगर की तरफ, तो मैं उसको लेके आ गया था 600 रुपये में, तो उनको छोड़ के फिर घर पे आ गया, और फ़ोन में मेमोरी थी नहीं भाई जो शूट कर पाता, तो अभी कुछ एडिट वेडिट करके फ़ोन से डिलीट किया है। तो अभी इसमें लास्ट अपडेट दे रहा हूँ आपको। तो भाई टोटल आज काम होया 7, 13, 5, 18 और 6, 2400 रुपये का, 2400 रुपये का टोटल काम होया इसमें, और ख़र्चा सिर्फ एक बार सीएनजी डली थी 560 रुपये की बस, उसके बाद जो भी है यही हिसाब किताब है आज का। तो और भाई कल की जो मेरी लोकल ड्यूटी है करोलबाग से 12 घंटे 120 किलोमीटर की, उस बुकिंग में भाई केरला की पार्टी है, उनसे मिलेंगे और करेंगे भाई उनसे बातें, और कहां कहां जाएंगे सब जगह घुमाएंगे उनको अच्छी तरह से, और बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे ताकि भाई दोबारा पैसेंजर आए तो कॉल करें। और भाई आपके मन में भी कोई सवाल हो किस तरीके से काम करना है, कौन सी कंपनी में करना है, तो भाई स्क्रीन पे नंबर इस पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे मैसेज भी डाल सकते हो अपना सवाल जो भी आपके मन में है। तो भाई चलो आज के व्लॉग का तो कर रहा हूँ एंड, उम्मीद है वीडियो आया होगा आपको पसंद, और भाई पसंद आया है तो लाइक बैठा दो इस पे, और चैनल ने कर लो सब्सक्राइब जो भी नए भाई। तो भाई मिलते हैं अब कल लोकल ड्यूटी में जो करोलबाग से है 12 घंटे 120 किलोमीटर की सुबह 7 बजे से। तो सारे भाइयों ने भाई विक्की खत्री की तरफ से राम राम।